औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की शक्ल कैसी होगी? सो हम लेते हैं यहाँ पे एक सिंगल बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया का सबसे आउटर लेयर है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ आपके लिए ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स एंड दिस ग्लाइकोकैलिक्स इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के होते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है हमारे पास कैप्सूल और दूसरा होता है स्लिम। क्या मतलब है? इसकी बीनीथ एक लेयर है जिसे हम नाम देते हैं सेल वॉल की। यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट है और इस लेयर का नाम है सेल वॉल। ये आउटर तो ग्लाइकोकैलिक्स है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर टाइटली एसोसिएटेड है तो फिर हम कहते हैं कैप्सूल इट इज टाइटली एसोसिएटेड विथ सेल वॉल। अगर टाइट कनेक्शन हो तो इसे हम सेल वॉल के ठीक है। सो इट गिव स्टिकी अपीयरेंस टू सेल वॉल, इट गिव स्टिकी नेचर टू सेल वॉल, इट गिव स्टिकी नेचर टू सेल वॉल। स्टिकी मीन्स गमी, गमी नेचर टू सेल वॉल, सेल वॉल पर स्टिकी गमी हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यहां पे स्लिम ये क्या करेगा? इट इज लूजली अटैच्ड विथ सेल वॉल। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज अटैचमेंट है इसकी, इसकी अटैचमेंट लूज हुई है, टाइटली बॉन्डेड नहीं है, तो फिर हम इसको कहते हैं स्लिम एंड इट गिव्स स्लिपरी अपीयरेंस, स्लिपरी नेचर टू सेल वॉल। सो जाहिरी बात है ग्लाइकोकैलिक्स तो आउटर लेयर है। अब स्ट्रांगली टाइटली बॉन्डेड है कैप्सूल है, लूजली अटैचमेंट है, तो फिर हमारे साथ है ये स्लिप। ठीक है, ये तो हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। अब आते हैं इसके फंक्शन पे, आते हैं फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स कि ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन। इसके पहले हम लेते हैं इसकी कंपोजिशन। सो दिस ग्लाइकोकैलिक्स इट इज मेड अप पॉलीसेकेराइड, इट इज मेड अप ये पॉलीसेकेराइड है, पॉली कार्बोहाइड्रेट, समटाइम प्रोटीन भी अटैच है। समटाइम ये ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप पॉलीसेकेराइड, समटाइम इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स। अब फंक्शन पे आते हैं इसके। सो प्रिवेंट वाटर लॉस मीन्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आप बैक्टीरियल सेल की डिहाइड्रेशन नहीं होगी जब ये प्रेजेंट होगी हमारे साथ। दूसरी नंबर पे ये जो स्लिम पॉम है, स्लिम पॉम ये वाला पॉम, स्लिम पॉम प्रिवेंट फेगोसाइटोसिस या एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मैक्रोपेजेस, फ्रॉम मैक्रोपेजेस। देखिए मैक्रोपेजेस इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है, एक सेल है। जब भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में दाखिल हो जाती है तो मैक्रोपेजेस इसे इनकल्प करके खा के इसको खत्म करा देती है। अब ये स्लिम जो है, स्लिम बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है पेगोसाइटोसिस से, मैक्रोपेजेस की पेगोसाइटोसिस के। अगर स्लिम प्रेजेंट है तो मैक्रोपेजेस फिर इसको पेगोसाइटोसिस नहीं करते, तो इसको किल नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके अलावा इट इंक्रीजेस पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया। पैथोजेनिसिटी मीन डिजीज काजिंग एबिलिटी
इंक्रीज कर देते हैं। कौन? ये ग्लाइकोकैलेक्स इंक्रीजेस द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया। मींस दैट अगर ग्लाइकोकैलेक्स प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी पर ज्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा इट मेक्स बायोपेलम्स। व्हाट इज मीन बाय बायोपेलम्स? ये बैक्टीरिया इससे सराउंडेड है। कौन? ग्लाइकोकैलेक्स। नाउ दिस इज कॉल्ड बायोपेलम। अब इसकी प्रोटेक्शन हो गई। क्या हो गई? इसकी प्रोटेक्शन हो गई। सो बैक्टीरिया इनसाइड द ग्लाइकोकैलेक्स इट इज नाउ वेरी हार्ड टू किल। इट इज वेरी हार्ड टू किल। अब बैक्टीरिया को किल करना मुश्किल हो गया। सो ये तो गया ग्लाइकोकैलेक्स। दूसरे नंबर पे हमारे साथ है सेल वॉल। चलिए सेल वॉल को भी देखते हैं। सो दूसरे नंबर पे हमारे साथ यहाँ प्रेजेंट है ये जो रेड कलर से शू किए हैं हमने, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। अभी ये ग्लाइकोकैलेक्स है, ये सेल वॉल है। इन बिटवीन हमें यहाँ पे स्पेस दिखाई देता है, आपको ये नजर आ रहा होगा। इस स्पेस को हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादातर। सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा है। अब इट कंटेन एंजाइम्स। इसमें क्या है? एंजाइम है। दैट डिग्रेड एंटीबायोटिक्स। डिग्रेड एंटीबायोटिक्स की डिग्रेडेशन करा देती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। अब चलिए सेल वॉल को, सेल वॉल तो वैसे भी नॉन लिविंग है, और सेल वॉल के बेस पे वी क्लासिफाई बैक्टीरिया टू टू टाइप्स। द वन वी कॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द नेक्स्ट वन वी कॉल द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक साइंटिस्ट, एक डच साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम। कौन है भाई? यहां पे एक डच साइंटिस्ट है, नेम है इसका हैंस क्रिश्चियन ग्राम। उन्हें स्टेनिंग टेक्निक्स की, स्टेन लिया है यहां पे हमारे साथ, एक स्टेन ली है इसने क्रिस्टल वायलेट आयोडीन प्लस आयोडीन है। ठीक है, अब ये एक बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया हमारे साथ दूसरा बैक्टीरिया। इसको स्टेन किया किससे? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन से। इसको भी क्रिस्टल वायलेट आयोडीन से स्टेन किया, दोनों को स्टेन किया। अब आफ्टर स्टेनिंग एक और स्टेन लिया है इसने सेफ्रानीन। यहां पे भी सेफ्रानीन का इस्तेमाल किया, पहले स्टेन किया क्रिस्टल वायलेट से, दूसरी बार स्टेन किया इसने सेफ्रानीन से, तो इट गेट स्टेन। यहां पे इसने लिया पर्पल कलर, इसने लिया पिंक कलर, दोनों बैक्टीरिया। इसने आफ्टर वॉशिंग विद एथेनॉल, फिर इस बैक्टीरिया को एथेनॉल से वॉश किया, इसको भी वॉश किया एथेनॉल से। एथेनॉल से क्या किया? वॉश किया। सो इट रिटेन कलर, इसने कलर पकड़ा, रिटेन कलर, रिमूव्ड कलर, यहां से रंग। सो इसने कलर को रिटेन किया, इसको नाम दिया ग्राम पॉजिटिव का। इसने कलर को रिटेन नहीं किया, इसको नाम दिया ग्राम नेगेटिव को। सो सेल वॉल के बेस पे हमारे साथ हो गए दो टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलिए इन दोनों को देखते हैं कि क्या फर्क है इसमें। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने लिया है, यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है सेल वॉल। अब यहाँ पे सेल वॉल है तो हमें पता है सेल वॉल तो यहाँ पे बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। सो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन की मेनी लेयर्स प्रेजेंट है। ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं म्यूरीन। म्यूरीन है या है हमारे साथ ही पेप्टाइडोग्लाइकेन वाली जो लेयर है,
यहाँ पे, या म्यूकोपेप्टाइड भी से हम कह सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड भी यहाँ पे से। सो इट इज टिक, टिक लेयर है, मोटी है, तकरीबन 80 नैनोमीटर है डायमीटर में, तकरीबन 80% है पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की कंसंट्रेशन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 80% है, बहुत ज्यादा है, बहुत थिक है, मोटी लेयर बन रही है। यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये है लेस, अबाउट 10% है। इसकी डायमीटर भी 8 से लेकर 10 नैनोमीटर तक इसकी डायमीटर भी है। सो ये रेड कलर से हो गया इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन एंड ग्लाइकेन है, पेप्टाइड्स प्लस ग्लाइकेन है, प्रोटीन नहीं कह सकते आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पे ओनली 10% है, सो इट इज 10, सो 10 है तो परमिएबल है, 10 है तो ज़्यादा परमिएबल है, थिक है तो लेस परमिएबल हो गया। आप लोग एमसीक्यूज को अपने जहन में बैठा लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ग्लाइकोकेलेक्स, ये सारी पेप्टाइडोग्लाइकेन बांधा हुआ है यहाँ पे एक प्रोटीन ने, एक और प्रोटीन ने यहाँ पे इसको बांधा हुआ है, इसको हम कहते हैं टेकोइक एसिड, एक केमिकल है TEICHOIC, टेकोइक एसिड। यहाँ पे कोई टेकोइक एसिड नहीं है बिकॉज इसको बांधने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसके ऊपर एक आवर लेयर प्रेजेंट है, इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर एक और पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं लाइपोपोलीसेकेराइड, लाइपोपोलीसेकेराइड, शॉर्ट में आप इसे LPS भी कह सकते हैं। सो यहां ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का प्लाज्मा का सेल वॉल प्रेजेंट कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस लाइपोपोलीसेकेराइड। यहाँ पे क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस टेकोइक एसिड, ये मोटा है तो लेस परमिएबल है, ये थिन है तो मोर परमिएबल है इस कंपेयर टू दिस। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन पे, सो आते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सो लिपिड बायलेयर है जैसा कि बना था यूकैरियोटिक सेल में उस जैसा है, ये है हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग आपको नजर आएंगे, ये इनफोल्डिंग है, ये इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग को हम नाम देते हैं मीजोसोम की। सो इट कंटेन मीजोसोम, इट कंटेन मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, इट इज इनफोल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इट कंटेन एंजाइम्स, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए भी, फोटोसिंथेसिस के लिए भी, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए भी, और साथ में सेल डिवीजन के लिए भी यहाँ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे वो हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होंगे। सो दिस एंजाइम एक्ट लाइक द एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए मीजोसोम कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये बात आप समझ लें, इट इज ओनली द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है बस। इट कंटेन एंजाइम्स फॉर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन ऑफ आदि, ठीक है। सो ये तो हो गए मीजोसोम। अब इनसे कुछ एक्सटेंशन निकले हुए हैं, यहाँ पे आते हैं इनके प्लेजेला की तरफ, बाद में भी साइटोप्लाज्म को एंट्री करता हूँ, पहले यहाँ पे आते हैं यहाँ पे प्लेजेला, सिंगुलर है प्लेजेलम। यहाँ से एक ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, इन दोनों के बीच से यहाँ पे निकला हुआ है ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्लेजेलम। सो प्लेजेलम की तीन पार्ट्स है, एक तो है बेजल अपरेटस, बेजल अपरेटस, दूसरा है कर्व्ड हुक,
और तीसरा है फिलामेंट, तीसरा है ये तो बेजल अपरेटस है, यहां से जो निकला हुआ है ये बेजल अपरेटस हो गया। ये करोड़ हुड शॉर्ट करोड़ हुक है यहाँ पे सम डिस्टेंस अवे बस नियरली टू सेल वॉल। और ये हमारे साथ है फिलामेंट। सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्लेजेलिन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्लेजेलिन। अब ये बात आप समझ लें, इट लैक्ड माइक्रोट्यूबुल सो इट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, इट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। एक फ्लेजेलिन था यूकेरियोटिक सेल में, इट कंटेन माइक्रोट्यूबुल, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थी। अब यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूबुल नहीं है सो इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इट रोटेट इट रोटेट एट 360 डिग्री एस रोटेशन मारती है यहाँ पे, ऐसी ऐसी नहीं चलती, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे साथ। अब इस फ्लैजेला के बेस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड करा देते हैं। एक हमारे साथ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें फ्लैजेला होते ही नहीं है, इसको हम कहते हैं एट्रिकियस। एट्रिकियस एक ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जिसमें फ्लैजेलम होता है ओनली वन। मानोपोलर भी कहते हैं, मानोट्रिकियस भी कहते हैं, ठीक है। बस बैक्टीरिया में दोनों साइड से फ्लैजेलम निकले होते हैं, एमपी बोथ को हम कहते हैं एमपी ट्रिकियस है ये फिर एमपी ट्रिकियस है। बस बैक्टीरिया में फ्लैजेलम वन साइडेड से एक ग्रूफ निकलती है, ऐसे ग्रूफ के शक्ल में निकलती है, इसको फिर हम कहते हैं लोपोट्रिकियस। लोपो बस में होते हैं ऑल साइड से ऐसे निकले हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं फिर पीरीट्रिकियस। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलम वी डिवाइड ये क्लासिफाई बैक्टीरिया टू फाइव, 1, 2, 3, 4, 5, एट्रिकियस, मोनोट्रिकियस, एपीट्रिकियस, लोपोट्रिकियस एंड पीरीट्रिकियस। ये तो हो गए फ्लैजेलम के बेस पे डिवीजन। अब यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर इनसे निकले हुए हैं जिसे हम कहते हैं पेलाई। चलिए पेलाई को भी समझ लेते हैं। सो पेलाई क्या है, इसका सिंगुलर है पेलस, बाज लोग पीली भी कह सकते हैं इसे। यहां पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स दो किस्म के होते हैं, लार्ज पेलाई स्मॉल पेलाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेलाई, इसमें ये लार्ज है ये स्मॉल है, इस लार्ज को हम कहते हैं सिक्स पेलाई बिकॉज इट हेल्प्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बेसिकली सेक्शुअल तो है ही नहीं लेकिन फिर भी जेनेटिक मटीरियल के ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इसे हम कहते हैं सेक्शुअल। सो ये पेलाए हैं। अब इनमें कुछ होते हैं स्मॉल और इनमें कुछ होते हैं लार्ज, और आपको ये बात समझनी है इट इज ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाए जा सकते हैं। बस ये स्मॉल पेलाए है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू एनी सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, हेल्प इन हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू ए सरफेस टू एनी सरफेस। देखिए मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से पहले बैक्टीरियम अटैचेस होगी, इसकी अटैचमेंट होगी, फिर टॉक्सिन रिलीज करेगी, फिर डिजीज कॉज करेगी, ठीक है। या डाइजेस्टिव ट्रैक में चला गया, इंटेस्टाइन से पहले ही अपने आप को एडजस्ट करेगा, पहले अपने आप को अटैच करेगा किसी सरफेस से इन पिलाए की वजह से, फिर बाद में टॉक्सिन रिलीज करेगा, फिर डिजीज होगी। ये सिक्स पिलाए हैं, लार्ज पिलाए को हम लिखा है सिक्स पिलाए, सिक्स इट हेल्प्स इन कंजुगेशन, कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, इंशाल्लाह हम इसको बाद में समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ पहला ही हो गए, हम अब चलते हैं इनके साइटोप्लाज्म को। ये है भाई इनका साइटोप्लाज्म, ठीक है, बस आम से साइटोप्लाज्म है।
इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मिनी राइबोसोम्स, छोटे छोटे यहां पे प्रेजेंट है मिनी राइबोसोम्स, 70S है, स्मॉल 730 का है, लार्ज 750S का, मतलब है 70S ओवरलैपिंग की वजह से। राइबोसोम के अलावा यहां पे प्रेजेंट होता है फूड पार्टिकल भी प्रेजेंट है यहां पे। यहां पे मैं लेता हूं आपके लिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है एक तो यहां पे होते हैं राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम है यहां पे। इसके अलावा फूड पार्टिकल भी प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल में ग्लाइकोजन है, ठीक है, प्रोटीन भी है, पैड्स भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा वेस्ट भी मौजूद है यहाँ पे, वेस्ट में है लैक्टिक एसिड, अल्कोहल भी है, एसिटिक एसिड ETC भी प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्कुलर क्रोमोसोमल DNA है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है, न्यूक्लियाइड है यहाँ पे। सॉरी, कुछ अच्छा सा बना देता हूँ आपके लिए, ये न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड, या आप लोग इसे न्यूक्लियर बॉडी भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर, या आप लोग इसे न्यूक्लियर रीजन के नाम से भी जान सकते हैं, तीन नाम है जो भी आप सेलेक्ट कर ले। यहाँ भी न्यूक्लियर रीजन है, ये एरिया जरा लाइटर है, लाइटर एरिया है, थोड़ा हल्का सा एरिया है, सुपेट टाइप है साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म थोड़ा डार्कर है, ये न्यूक्लियर रीजन थोड़ा क्या है, थोड़ा लाइटर रीजन है यहाँ पे। यहाँ पे सो आप लिख सकते हैं जीनोम, सो जीनोम में प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियाइड, यहाँ पे ये सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है। सो MCQs याद रखिए, ये है हेप्लाइड बैक्टीरियल सेलार, हेप्लाइड है नेचर, ये हेप्लाइड है नेचर में, ठीक है। इट कंटेन सिंगल DNA, सिंगल DNA है, और ये क्रोमोसोम है, ये तो हो गया सिंगल DNA, ये सर्कुलर है, सर्कुलर ऐसे। यूकेरियोटिक वाला क्रोमोसोम क्या है, डबल हेलिकल है, ये सर्कुलर है, सो यूकेरियोटिक सेल से ये क्रोमोसोम डिफरेंट है। इट इज ओनली कंपोज्ड ऑफ DNA, बस कुछ प्रोटीन नहीं है यहाँ पे, यूकेरियोटिक सेल में तो प्रोटीन है और DNA दोनों मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम इज जस्ट कंपोज ऑफ ओनली DNA और सर्कुलर है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम DNA है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, चलिए प्लाज्मिड को भी जान लेते हैं। सो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल DNA, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल DNA है यहाँ पे ऐसा, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा ज्यादा है, सर्कुलर है क्रोमोसोमल DNA है, ये एक अपना DNA है यहाँ पे, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल DNA है, एक्स्ट्रा है। अगर ये ना भी हो कोई बैक्टीरियल सेल में, फिर भी कोई बात नहीं, बैक्टीरियल सेल सर्वाइव कर सकती है इसके बगैर भी, अभी एक्स्ट्रा है। इसमें एबिलिटी है सेल्फ रिप्लिकेशन की, चाहे बैक्टीरिया की डिवीजन हो या ना हो, इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी हो है, मीन्स दैट इट इज सेल्फ रिप्लिकेटेड, बैक्टीरिया के डिवीजन के बगैर भी ये अपने आप को डबल कर सकती है ऐसे। अब इसके तीन टाइप्स है, एक है वी प्लाज्मिड, वायरोलेंट प्लाज्मिड, दूसरा है हमारे साथ आर प्लाज्मिड, मींस रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, तीसरा है हमारे साथ एफ प्लाज्मिड, मींस फर्टिलिटी प्लाज्मिड। वायरल प्लाज्मिड इट कन्वर्ट बैक्टीरिया इनटू पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट कन्वर्ट नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनटू पैथोजेनिक। एक बैक्टीरिया ऐसे है जो कि पैथोजेनिसिटी मींस दैट डिजीज कॉज नहीं कर सकती,
अगर ये ट्रांसफर हो जाए उस बैक्टीरिया में तो फिर वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो गया नंबर वन। एक मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है, नॉन पैथोजेनिक है और ये पैथोजेनिक है। ये प्लाज्मिड मैंने इन बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया, अब ये भी पैथोजेनिक हो गया। सो नॉन पैथोजेनिक को पैथोजेनिक बना देती है नंबर वन। दूसरा है रेजिस्टेंट, इट शोज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, शोज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस। एक बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, हमने गोली कर ली एंटीबायोटिक से, प्रोफ्लैक्सासिन कर लिया, पेनिसिलिन कर लिया, कोई असर नहीं किया इसने बैक्टीरिया पे, क्यों? प्लाज्मिड प्रेजेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट जीन इसको एक्टिवेट करा देती है। यहाँ पे मैंने लिखा है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रेजेंट है। एक है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इट हेल्प्स इन कंजुगेशन, कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बैक्टीरिया का। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हम इसे एज अ व्हीकल एज अ वेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर, एंडोस्पोर। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, हमें या तो सेंटर में बनते हैं या साइड में बनते हैं, इसको हम नाम देते हैं एंडोस्पोर की। अब क्या है, जब बैक्टीरिया की एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रोथ होती है जहाँ पे वाटर के अवेलेबिलिटी कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो या बहुत कम हो, पीएच में कोई चेंज आ जाए, तो बैक्टीरिया की सर्वाइव मुश्किल हो जाती है। फिर यहाँ पे एक स्पोर डेवलप होता है जिससे थिक सेल वॉल सराउंडेड हो जाता है। अब इन स्पोर से क्रोमोसोम एक कापी लेता है और इस क्रोमोसोम की कापी से सेल वॉल और थिक, ये क्रोमोसोम है इसे एक कापी यहाँ पी लिया गया, इस कापी से थिक सेल वॉल सराउंडेड है, अब इनको हमने नाम दिया एंडोस्पोर की। ये जो बाकी बैक्टीरियल सेल है इसका सारा वाटर लॉस हो जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये एंडोस्पोर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फिर जब हालात फेवरेबल हो जाए, वाटर की अवेलेबिलिटी आ जाए, पीएच में चेंज वापस आ जाए, टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, तो ये एंडोस्पोर वापस, ये मुझे एक वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होता है, सो इस एंडोस्पोर से फिर एक कंप्लीट बैक्टीरियम बन सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन ये आपके फायदे के लिए था। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।